मुझे पैसे चाहिए। तो हे गाइस, दिस साइड पुलकित बैंड। ये मेरी पहली वीडियो तो ऑफ कोर्स बकवास तो नहीं है, लेकिन बट कोई नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मतलब क्या ही है ना यार, देख लो जो देखना है छोड़ो। तो ये वीडियो है कि जैसे मतलब मैं जब नी 2022 दिया था, तब मेरे 250 नंबर थे, एंड अब 2023 में 661 आ रहे हैं। तो या मतलब है यार कि 400 नंबर की इंक्रीज कैसे हो गया। मतलब मैं अपने दो दोस्तों से पूछता हूँ तो वो सोचते हैं यार क्या ही तूने क्या ही कर दिया ऐसा कि इतना नंबर बढ़ गए उनके, दिमाग मेरे नहीं बढ़े 100 नंबर, मेरे 100 ही नंबर बढ़े हैं, तेरे 400 कैसे बढ़ गए। बट ये है ना भाई, मतलब इट्स इन यू, तेरे अंदर ही है जो है। मैं नहीं बता सकता वो क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी टाइप की थी, 10th तो मैं एवरेज था, मतलब ठीक था, काम चल रहा था। 11th में मैं आगाज गया तो फ़ोन मिल गया, सबसे बड़ी दिक्कत तो कोविड टाइम भला हो तेरा, बट फ़ोन मिल गया, फिर क्या ही है, टाइम पास, यूट्यूब वगैरह, मतलब सब। तो शुरुआत में क्या होता है ना, हम जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार चाहिए एम्स, एम्स के नीचे तो कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। तो फिर मैंने भाई, सबका यही होता है यार, सबका मतलब ड्रीम होता है एम्स, MAMC, बस ये दो कॉलेज, इससे नीचे सोचते ही नहीं है लोग तो। बट ये है कि हाँ, तो उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो मॉड्यूल करने लगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीन चार टाइप के होते हैं ना मॉड्यूल, नहीं टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे थोड़े एक्स्ट्रा लेवल के होते हैं कुछ। तो वही है कि करता गया, फिर बाद के लेवल उसके नहीं हुए तो अच्छा किसको फील होता अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर वही है कि रिग्रेट होता कि यार नहीं यार ये भी नहीं आता, पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा, कैसे जाएगा एम्स वगैरह वगैरह। तो वो साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती ना भाई, कि तेरे को क्वेश्चन नहीं हुआ रिग्रेट हो रहा है, अब उसके ऊपर टाइम वेस्ट करेगा तो कि यार तेरे को, तू और थिंक करता है, और थिंक करेगा कि यार क्यों नहीं हुआ, फिर क्या होगा, तो और टाइम वेस्ट होगा रिग्रेट में। अब जो टाइम वेस्ट किया ना तो रिग्रेट करते हुए, वो तेरे को दोबारा रिग्रेट दिलाएगा कि नहीं यार तू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो उसको की यूज़ कर दो। तो ये साइकिल भाई कब, मेरे तो 2 साल ख़त्म हुई नहीं, आप की हो जाए तो बढ़िया ही है। बाकी तो क्या मतलब जैसे टेस्ट देने लगे तो शुरुआत में तो ज़्यादा ठीक नंबर नहीं आते थे, 300 400 के आसपास आते थे। तो फिर अब मेरे दोस्त थे वो तो काफ़ी पढ़ते थे, तो उनके आ रहे हैं 500 600, तो लगता है यार मतलब क्या कमी रह रही है, मतलब कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। तो मैं जो गलत कर रहा था ना उसको खोजने के बजाय उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को देखने लग गया कि नहीं यार तुझसे नहीं होगा, ये बच्चे भी इतना ही पढ़ रहे हैं, तू भी इतना ही पढ़ रहे हैं, तुझे कुछ नहीं आता, मतलब नेगेटिव साइड में थोड़ी ज़्यादा रहा था मैं। जिससे क्या हुआ ना कि टेस्ट फिर मैंने देना छोड़ दिया कि नहीं यार तू तो टेस्ट मत दे, तू पढ़ बस। फिर क्या हुआ, टेस्ट नहीं दिया, फिर रेगुलरिटी ख़त्म हो गई बिल्कुल। तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बिल्कुल ख़त्म, एंड मतलब टेस्ट भी देने छोड़ दिए, अब कुछ खुद का एनालिसिस नहीं हो रहा, बैकलॉग धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर इतना बैकलॉग हो गया ना कि लगा छोड़, पूरी 11th छोड़ दे तू, 12th में देखेंगे। तो होता है यार, सबके साथ होता है, मैं मानता हूँ मेरे साथ होगा था, आई थिंक और बच्चों के साथ भी होता होगा, मेरे दोस्तों के साथ, एक दो के साथ हुआ था, बाकी काफ़ी दोस्त तो पढ़ने वाले थे, एक दो ही थे मेरे जैसे, तो उनके साथ भी यही था कि 11th पूरी बैकलॉग हो गई, 12th चल रही है, अब बोर्ड पे फोकस करें या 11th पे ध्यान दे। लेकिन फिर बोर्ड भी कुछ घंटा कुछ उगाड़ा नहीं मैंने, लेकिन ठीक है, मतलब चल गया चल गया, सब कुछ चल रहा था। तो फिर नीट हुआ तो 250 कुछ नंबर थे, 259 टू बी एग्जैक्ट, एंड मतलब मैंने तो कैलकुलेट भी नहीं किया था, मुझे पता था यार होना तो है भी नहीं, 400 आए 300 आए 200 आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, होगा तो ड्रॉ भी ठीक है, और किसी के 590 आके ड्रॉप ले रहा है, कोई 200 आके ड्रॉप ले रहा है, तो यार क्या ही फ़र्क है, दोनों एक लेवल पे, दोनों ड्रॉपर कहलाएंगे ठीक है। बात ही है, बच्चे समझते यार मेरे तो 250, उसके 450 पता ही नहीं क्या ही है वो, यार कुछ नहीं है भाई, सब कुछ है ना यहाँ पे है तेरे दिमाग में, जो तू सोचेगा ना वो बन जाएगा। और वही ये मजाक लगता है अब मेरे को भी लगता था पहले, बट यार होता है एक दिन तू ही कहेगा ये बात। तो फिर 12th हो गई तो ड्रॉप ईयर्स, तो मैंने हाँ रिजल्ट के लगभग 1 महीने बाद अपनी तैयारी शुरू की थी, लेकिन मतलब क्या है ना कि पूरे 11th 12th कुछ नहीं पढ़ा। अब तैयारी शुरू करने में भी यार बहुत कुछ होता है, अब देख मैंने बच्चे देखे कि
पूछेंगे कि यार तू क्या कर रहा है, मैं भी वही कर लूँ, यार ऐसे नहीं है, जो तेरे को अच्छा लग रहा है ना वो कर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई इन छोटी मोटी चीज़ों से। पता है क्या है यार, मैंने आज तक किसी टॉपर के इंटरव्यू नहीं देख रखा कि यार, मतलब मेरे पापा देखते थे तब बुरा लगता था कि यार कभी कभी मैं भी उस लेवल पे पहुंचूंगा, किसी के पेरेंट्स मुझे देखेंगे, बट मैंने कभी नहीं देखा यार। मतलब क्या ही, वो क्या ही बताएगा तेरे बारे में, तू उसको, वो तेरे को जानता नहीं, तू क्या है तू क्या नहीं है, तेरी उसको हॉबीज नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं पता उसको तेरे बारे में, और तेरे को क्या सजेस्ट कर देगा वो। तो सिंपल सोच ना, तू अपने आप को उससे बेहतर जानता होगा ना, वो यार तेरे को 0% जानता है, तू अपने आप को 100 तो कोई नहीं जानता, 50 तो जानता होगा कम से कम, तो तू अपने आप को ज़्यादा समझता है, वो तेरे को ज़्यादा समझेगा, सिंपल बात है यार। तो मतलब खुद पे वो कर यार, खुद की जो जो तुझे अच्छा लग रहा है ना वो कर, बस पढ़, तू अपने कंसेप्ट क्लियर कर, और यार घंटा फर्क नहीं पड़ता तूने कौन से प्लेटफॉर्म से तैयारी किया, घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा भाई, तू NCERT पढ़, घंटा फर्क नहीं पड़ता उसने कोई भी DC HCV करी है, DC पांडी की है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा भाई, जो तू पढ़ रहे है ना बस उसको अच्छे से पढ़ ले, जब तेरे को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, अगर तेरे को सेटिस्फाई हो गया ना तू, तो बस काम हो गया तेरा। तो मतलब लगता था कि अब कैसे ही शुरू करूँ, नीट के 250 इतना नंबर है, मतलब को क्या ही आता होगा, मतलब सबको लगता होगा यार, मतलब सेम बात, लेकिन क्या है ना कि करना तो पड़ेगा। अब मेरे यार, मतलब मेरे पापा का ड्रीम था कि यार बेटा डॉक्टर बने, सो आई डिसाइडेड कि यार एक बार कर ले, अगली बार अच्छे से कर। तो मैंने सबसे पहले तो देखा कि यार, मतलब कि यार क्या मेरी कमी थी 11th 12th में, ठीक है, पहले उसको एक पेज लिया, उस पे लिख लिया जो कमी थी मेरी, और यार पता है मेजर फैक्टर क्या था जो मेरे को इसको साइड पुश कर रहा था कि यार तू तैयारी कर, यार मेरे पापा को बहुत विश्वास था, मतलब कोई हर किसी का अलग फैक्टर होता है, किसी की पापा होता है, किसी की मम्मी, किसी के दादा, किसी के मतलब पेरेंट्स, या फिर कोई भी तेरा दोस्त गर्लफ्रेंड कोई भी हो यार, मतलब एक फैक्टर ज़रूर होना चाहिए जिसके लिए तू तैयारी कर रहा है। यार मेरे मम्मी पापा को तो मतलब तू कितना भरोसा था ना कि यार ये तो कर लेगा बस, वो मेरे को नहीं था यार 250 नंबर पे किसको ही भरोसा होगा, तो खुद सोच के देख, लेकिन उनको था बस। तो फिर क्या था कि मेरा, और मैं भी ये सोच रहा था यार इतने एफर्ट्स कर रहे हैं वो लोग, कुछ तो करना चाहिए ना हमें, वो हमें 12 साल हो गए 1st to 12th पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ का खर्चा उठा रहे हैं, तो जस्ट लिटल थोड़ा बहुत तो कह ही सकते हैं हम, करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन ट्राई करने में क्या ही जा रहा है यार, उनके लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं वो हमारी लाइफ में। तो क्या है ना, फिर मैंने सोचा कि हाँ ट्राई करते हैं एक बार, तो सबसे पहले अब मैंने लिस्ट बना ली कि मेरी क्या क्या गलती थी, तो सबसे जो मेज़र मुझे ड्रॉबैक लगा मेरा कि मैं फ़ोन अडिक्ट था बिल्कुल, 10-10 घंटे चले जाते थे, 12 घंटे चले जाते थे, तुम्हें लगता नहीं होगा कि तुम्हारे नहीं जा रहे, बट चले जाते हैं भाई, जब किसी बात कर रहे हैं 2 घंटे निकल गए 3, पता नहीं चलता, तू कभी देखियो अपने फ़ोन में तेरा स्क्रीन टाइम क्या है, बट होता है यार, मेरे हो जाता था, किसी का नहीं होता, नहीं होता होगा, बढ़िया बात है भाई। तो मैंने तो सोचा कि यार फ़ोन छोड़ दे बस, जब तक फ़ोन रहेगा जीवन में समस्याएं बढ़ती रहेंगी, मेन कंक्लूज़न ये था मेरा। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई फ़ोन तो छोड़ना ही है, और उसके अलावा मैंने देखा कि क्या सोर्स से पढ़ूँ मैं, क्या चीज़ चूज़ करूँ, ऑफलाइन कोचिंग लूँ ऑनलाइन लूँ, तो मैंने सोचा कि यार ऑफलाइन तो 2 साल ले ली, कुछ यार घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑनलाइन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कुछ फ़र्क पता है किससे पढ़ता है, तू पढ़ रहा है बस इससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या ही था वो, फिर एक बिल्कुल रामबाण NCERT उठाओ, लेक्चर्स मैंने PW की उम्मीद बैच से देखे थे, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम टीचर्स, बहुत हेल्प हुई यार उनसे। तो फिर लेक्चर देखे, तो क्या है ना स्ट्रेटजी क्या ही थी मेरी, मतलब क्या ही स्ट्रेटजी बताऊँ यार मैं अपनी, पढ़ना था सिंपल, कैसे पढ़ ले NCERT पढ़ ले। तो देख क्या था, मैं तो क्या करता था, बच्चे यार बहुत इच्छुक होते जानने के लिए, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, बहुत इच्छुक होते हैं जानने के लिए कि कैसे पढ़ रहे हैं वो, मतलब वो कैसे पढ़ेगा, मैं भी वैसे पढ़ लें यार ऐसे कुछ, कोई घंटा मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तू जैसे पढ़ रहे हैं ना बस तेरे को अच्छा लगना चाहिए, बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते, मेरे को शॉर्ट नोट अच्छे नहीं लगते, मैंने नहीं बनाए, सिंपल, इसमें क्या ही सोचना यार, नहीं यार टॉपर्स लोग तो सब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगी, घंटा यार कुछ नहीं पढ़ता इससे पर। तो फिर कर दिया शुरू, तो लेक्चर्स पहले मैं क्या करता था, पहले लेक्चर देख लिए उसके नोट्स बनाए, एक नोट्स बनाना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बनाने पड़ेंगे सिलेक्शन चाहिए तो, साथ की साथ बनाओ,
उसको लेक्चर ख़त्म होने के बाद उनको एक बार मोटा मोटा देख लो कि हाँ भाई ये था, ये पढ़ाया, ये क्या। फिर आई सजेस्ट कि रिवीजन के लिए आप ऐसे कर सकते हो। मैं तो किया था ट्राई, लेकिन बट हुआ नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट एंड हार्ड रूल था ये, इसलिए नहीं कर पाया। बट आई सजेस्ट एवरीवन, सबको यार करना चाहिए, बहुत हेल्प होती है इससे। क्या था ना कि जैसे आज तो पढ़ रहा है, तो उसके एक दिन छोड़ के, मतलब परसों, तो उसको दोबारा पढ़, फिर 3 दिन बाद पढ़, फिर 5 दिन, फिर 7 दिन। मैंने ये कोई IAS के इंटरव्यू में देखा था, बट हाँ मैंने ट्राई किया यार, बहुत फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा तेरा सिलेबस। तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया था करने का, बट ज़्यादा दिन हुआ नहीं फॉलो, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था। अप्रोक्स 7 महीने थे, 7, हाँ, जिसमें से काफ़ी टाइम खुद ही चला जाता है यार। तो फिर 7 महीने में यार 2 साल का सिलेबस, कुछ बच्चों ने तो काफ़ी पढ़ रखा हो, मैंने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना था मेरे को। तो यार कंसेप्ट बनने में टाइम लगता है भाई, हलवा नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 2-3 महीने अच्छे रगड़ के मेहनत लगती है, उसके बाद लेवल बनता है। फिर लेवल्स इंक्रीज होने में ना वो होता है, देख पता है ये नहीं है कि तू 250 लग के आ रहा है, सिर्फ 100 फुल वीसा देंगे, ऐसा नहीं होता। लेवल बनता है भाई, 250 का लेवल अलग होता है, फिर 400 का लेवल होता है, फिर 500 का, और फिर 600 का, ऐसे लेवल होते हैं। लेवल पे जंप करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आज तेरे 250 आ रहे तो नहीं, एक चैप्टर पढ़ लिया, कल तेरे 300 आ जाएंगे, नहीं आएंगे भाई, लिख के ले ले, 250 ही आएंगे अगर तेरा लेवल 250 का है। बट लेवल इंक्रीज करना भाई, क्या ही मतलब, क्या रोक रहा है तुझे, क्या नहीं मतलब, क्या पता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। मैं भी सोच रहा था कि यार ये अब क्या है ना, तैयारी शुरू कर दी, तो 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, टेस्ट दिया, फिर 300 नंबर, क्या ही घंटा कुछ पढ़ा तूने 1 महीने। तो लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, लेवल बनता है। तो फिर मैंने इसलिए टेस्ट देने छोड़ दिया कि नहीं यार, पहले लेवल क्रिएट करो यार, दम होना चाहिए ना एक बंदे में, वो करना है क्रिएट। तो फिर वो हुआ क्रिएट, क्या ही मतलब 400 आ रहे। तो मैंने जो फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था वो शायद जनवरी में, मतलब फुल सिलेबस नहीं था वो, पार्ट सिलेबस था, और उसमें मेरे शायद थे 530 या 540, ऐसे कुछ नंबर दे दो, मतलब उस टाइम पे मैं 500 वाले लेवल पे था। तो फिर लगा, फिर मैंने थोड़े बहुत दिन टेस्ट दिए, फिर 530 से 550 होने लगे धीरे धीरे, लेकिन भाई स्टिक हो जाते हैं नंबर भाई, बहुत कॉन्फिडेंस लूज होगा कि यार 10 टेस्ट दे लिए, 550 ही आ रहे हैं, नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, क्या गलत करूँ भाई, दिमाग में इतनी टेंशन होती है ना, तुम्हें तो पता होगा। तो नंबर बढ़ेंगे यार, बट टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा यार। और एक ये थी कि जो, हाँ, मैं एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए एक डायरी वगैरह मेंटेन करता था, जिसमें मतलब पर्सनल डायरी कह सकते हो या फिर जो भी, उस पर फेथ होना चाहिए, मतलब अपने बंदे में फेथ होना चाहिए अपने आप पर कि यार मैं कर सकता हूँ, तभी फ़ायदा है यार हर चीज़ का। मतलब कुछ मतलब मैंने देखा यार बच्चे इतने बढ़ते हैं, इतने पढ़ते हैं भाई, मैं तो इतना पढ़ता भी नहीं था सच बताऊँ तो, ठीक है। मतलब कम पढ़ लो यार, अच्छे से पढ़ लो भाई जो पढ़ रहे हो, ठीक है। रिविज़न उसका टाइम टू टाइम कर लो। बच्चे पूछ रहे मुझसे यार 10 घंटे पढ़ता था क्या तू, 12 घंटे, भाई यार घंटा सिर्फ 8 घंटे, बहुत 8 घंटे यार, 8 घंटे वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहिए। मतलब यार बैलेंस बना के चलना है ना, ये थोड़ी है किताबी कीड़े बन गए, ऐसे नहीं होना। बैलेंस अपना दिमाग शांत होना चाहिए, सिंपल बात, दिमाग ठंडा शांत कूल रहेगा, खुद खुश रहेगा ना यार, पढ़ाई आ जाएगी। क्या आर्ट क्या है, क्या सोच रहे, आर्ट कुछ नहीं है भाई, आर्ट तू उसको हार्ड बना रहा है, दिमाग में डाल रहा है, नहीं यार ये तो बहुत हार्ड है, तो हार्ड ही लगेगा ना भाई, सोच बिल्कुल आसान है यार। पता है क्या होता है, मतलब मैं भी सोचता था कि भाई फिजिक्स या क्या, कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे फॉर्मूला लगेंगे, सिंपल रूल है भाई, जय भगवान, सॉरी, जय बाबा की, भाई सब ठीक कर देगा वो। तो कॉन्फिडेंस रखो, मतलब आई थिंक आई एम नॉट अ गुड यूट्यूबर एंड आई एम 100% करेक्ट, क्योंकि मेरे को ना बोलने का तमीज़ वो कुछ भी नहीं है यार मेरे अंदर। बट आई स्टिल थिंक कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत मोटिवेट हो रहे हो मुझसे, सो आई विल ट्राई आगे एंड आगे, एंड फिर आगे आगे गया ही था। हाँ, एक ही क्वेश्चन था कि मतलब बच्चे पूछ, मतलब दोस्त लोग पूछ रहे थे मुझसे कि यार तू, अब जैसे मेरा एक दोस्त है वो एम्स में है, दो दोस्त हैं एमएमसी में, तो यार, और मैं ड्रॉप में था, तो यार बहुत कंपैरिजन फैक्टर होता है कि यार वो क्या कर रहा है, मतलब वो मौज मस्ती फ्रेशर्स में है, मैं यार गंडोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बट वर्थ इट होगा यार, जिस दिन टू जाएगा ना, अब मेरा सिलेक्शन हुआ है ना, तो मतलब मैं तो क्या ही एक्सप्रेस करूँगा, मेरे घर वालों पर जो
खुशी है ना भाई, उसको तो खुद खुद जब फेस करेगा ना यार, तब फील होगा। मैं नहीं बता सकता, ना कोई और वीडियो बता सकती। जिस दिन तू पढ़ के सिलेक्शन लेगा ना, उस दिन फील होगा वो। बाकी आई थिंक आप आज के लिए शायद इतना ही, बाकी मेरे दिमाग में कुछ है नहीं, आ नहीं रहा। आई थिंक नेक्स्ट टाइम मुझे नोट्स बनाने चाहिए पहले से। तो आई होप अगली बार अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, एंड लगे रहो यार भाई। और हाँ, एक और बात थी प्रमोशन यार, मैं एक टेलीग्राम चैनल खोल रखा है कि जो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं यार। मेरे को यार मतलब सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती है ना, मेरी कोई आइडियल स्टोरी नहीं है कि मैं बहुत पढ़ता था पहले एंड ये स्टेप फॉलो किए मैंने। इवन कुछ नहीं किया भाई मैंने, बस जो मन में आया ना वो किया, जो मेरे दिल बोल रहा था वो किया मैंने। इसलिए मेरी कोई आइडियल स्टोरी नहीं है कि यार इसने ये किया और तू ये स्टेप्स फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा। आई कॉन्ट टेल इट यार, मतलब हो गया बस, घर वालों ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया, हो गया। मैंने खुद मेहनत की यार, खुद सेटिस्फाई कर खुद यार, मज़ा ले यार। क्या ही है पढ़ाई, छोटी सी चीज़ है, मज़ा लेना पढ़ाई का भाई, सिंपल बात है। कंपेयर मत करो, बाकी आप देख लेना इसमें क्या सीखने को मिला। टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना, वरना छोड़ो क्या ही फर्क पड़ेगा। बट उससे क्या होगा ना कि यार मेरे को ज़्यादा लोगों से इंट्रैक्शन होने की मिलेगी, तो प्रॉब्लम्स भी मैं उनकी देख पाऊँगा, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उसी टाइप की वीडियोस डाल पाऊँगा। बाकी आई नो मेरी वीडियो कोई घट्टा नहीं देखेगा, एंड ऑल्सो आई एम नॉट अ गुड यूट्यूबर, आई डोंट नो एडिटिंग, सो बाय।